पाईल्स लेझर हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या शाखेचे उद्घाटन खासदार डॉक्टर विकास महात्मे यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. यावेळी नगरसेवक जलप्रदाय विभागाचे सभापती गवई डॉक्टर प्रदीप सहावे व डॉक्टर पूजा सहावे प्रामुख्याने उपस्थित होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून डॉक्टर प्रवीण सहावे आपली सेवा नागपूरच्या जनतेला देऊन त्यांना सहकार्य दिलं. त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही हे हॉस्पिटल उघडण्यात यशस्वी झालो असे मत यावेळी मांडले. या कार्यक्रमाला अनेक गणमान्य आणि नागरिक उपस्थित होते. आपने सही कहा कि पाइल्स के बारे में काफ़ी लोगों के मन में शंका कुशंकाएँ रहती है और इसमें मुझे लगता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है. अभी हम जो खाना खाते हैं, फूड्स जो है, फास्ट फूड खाना चाहते हैं, उसमें वेजिटेबल्स नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, तो फाइबर्स कंटेंट कम हो जाता है. और आयुर्वेदिक मुझे हमेशा लगता है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ जितनी भी आज एग्जिस्टिंग है, वह यदि आयुर्वेदिक हम जीवन पद्धति हम अवलंब करें, क्योंकि इसमें ऐसा है कि सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार नहीं है तो एक जीवन पद्धति है. और मैं अभिनंदन करूंगा डॉक्टर प्रवीण सहावे जी का और डॉक्टर पूजा सहावे जी का कि उन्होंने यह एक क्लिनिक लोगों के लिए एकदम आप देखेंगे तो अद्यावत है. जो लेटेस्ट है वो सब उन्होंने अपनाया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आयुर्वेदिक को पुराने ढंग से ही उपचार पद्धति कॉमन करें. उपचार पद्धति उपचार वही रहे, लेकिन पद्धति जो है वो नए हिसाब से और इफ़ेक्टिव कैसे हो, इस हिसाब से उन्होंने इसका जो क्लिनिक है उसका जो भी प्लान है वैसा किया हुआ है. और इतना ही नहीं तो आज ये ऐसा है कि ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो उसके बारे में हम स्किल्स के बारे में स्किल ट्रांसफ़र वो करते हैं. इसके लिए भी उन लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा. वैसे ही अभी ये एक ब्रांच से दो ब्रांच हुए हैं और उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो और आगे बढ़े और इस ये आयुर्वेदिक ब्रांच जो कि हम कहते हैं कि अभी बढ़ना चाहिए, उसमें उनका मुझे पता है कि उनका योगदान बहुत है और ये और आगे बढ़े, ब्रांचेस और पूरे देश भर निकाले वो, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मेरे शब्दों को विराम. मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि सहावे परिवार मेरे प्रभाग में रहते और मेरे प्रभाग में इतना अच्छा अत्याधुनिक हॉस्पिटल यहाँ खुलने जा रहा है. तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे को, मेरे परिवार के लोगों को और जो भी मेरा मतदार है यहाँ पर, उन सभी नागरिकों को एक अच्छी अत्याधुनिक सुविधा मेरे वार्ड में घर के नज़दीक मिल रही है. सहावे परिवार का इस हमारे प्रभाग में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा परिवार है और हरदम सोशल एस्पेक्ट से ये लोग रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो तहे दिल से मुझे खुशी होती है और इस परिवार का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूसरी ब्रांच उन्होंने यहाँ पर मेरे प्रभाग 35 में खुली, तो सबके लिए ये एक अच्छी सुविधा यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं. आयुर्वेदिक के साथ लेटेस्ट जैसे कि महात्मे सर ने बोला कि आयुर्वेदिक के साथ अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर मिक्स हो जाती है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं और इसका लाभ यहाँ के नागरिकों को होगा. तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ परिवार को और हरदम उनके पीछे जो भी महानगर पालिका की जो भी सुविधा लगेंगी उसके पीछे मैं खड़ा रहूँगा. अभ्युदय पाइस लेजर हॉस्पिटल की सेकंड ब्रांच का आज इनॉग्रेशन है और आप सभी महानुभाव आज इस कार्यक्रम के लिए, समारोह के लिए पधारे, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ. और आप ही सब लोगों के प्यार की वजह से, हमारे पूरे मरीजों की सहायता से और उनके आशीर्वाद से हमारी अभ्युदय पाइस लेजर हॉस्पिटल की ये द्वितीय शाखा का आज अनावरण होने जा रहा है, जहाँ पर अभ्युदय पाइस लेजर हॉस्पिटल की जितनी भी सुविधाएँ पहले से आती है
जैसे कि लेजर्स ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की ट्रीटमेंट है, ये सभी एक नए रूप में, नए मोड में और एक एडवांस पद्धति से हम लोग अभी इसको लाने के लिए जा रहे हैं। और ये सभी जो मॉडलिटीज़ है यह अभी नए ब्रांच में हमारे सभी पेशेंट्स के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस द्वितीय शाखा का उद्देश्य और दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर जितने भी मरीज आएंगे उनको एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है और सभी पेशेंट्स को जो सुविधाएं मिलेगी वह काफ़ी कम दर में और एडवांस पद्धति की ट्रीटमेंट मिलेंगी। और इसके लिए मैं डॉक्टर पूजा साहवे, हम दोनों भी अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का यूनिट जो है वो, और साथ में पाइल्स फिशर फिशुला के लेज़र ट्रीटमेंट जो है उसका एडवांस ट्रीटमेंट, ये सभी सुविधाएं पेशेंट्स को अवगत कराएं। मैं डॉक्टर पूजा प्रवीण साहवे, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल की संचालिका। आज हमारे ये द्वितीय शाखा का उद्घाटन है। पहले तो मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक बधाइयां देना चाहूँगी और इस नवरात्र में हमारे नए सेकेंड ब्रांच का जो इनॉग्रेशन हुआ है आप सभी की हेल्प की वजह से हमारा जो सेकेंड ब्रांच है इसमें एडवांस लेज़र के द्वारा पाइल्स फिशर फिशुराग पर सभी महिलाओं का एडवांस लेज़र से उपचार होगा और साथ ही में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट द्वारा ही पेशेंट की उपचार पद्धति होगी।